इसराइल हमास युद्ध को शुरू हुए महीनों बीत गए हैं, लेकिन अब तक ये युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है। इजरायली सेना लगातार लेबनान और गाजा पर हमले कर रही है। बीते कुछ दिनों में इसराइल और लेबनान में संघर्ष तेज हुआ है। पिछले एक हफ्ते में इसराइल ने लेबनान पर दो बार हवाई हमले किए। इन हमलों में 550 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी और हजारों लोग घायल हो गए थे। इसके बाद हिजबुल्ला ने भी इसराइल के ऊपर भी रॉकेटों और मिसाइलों से भीषण हमले किए और अब इजरायली सेना हिजबुल्ला का खात्मा करने के लिए हर हमला करने को तैयार है। जमीन के रास्ते लेबनान पर हमला करेगा इसराइल। IDF प्रमुख ने कहा कि हिजबुल्ला पर किए हवाई हमलों से दुश्मन के इलाके में घुसने का रास्ता खुल सकता है। लेफ्टिनेंट जनरल हेजरी हालेवी ने कहा, आपने लड़ाकू विमानों की आवाज़ सुनी, हम पूरे दिन हमले करते रहे। इसका मकसद लेबनान में संभावित तौर पर घुसने का रास्ता खोलना और हिजबुल्ला को निशाना बनाना है। हेजरी हालेवी की बातों से ये साफ है कि इसराइल का मुख्य मकसद हिजबुल्ला का सफाया करना है, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि हमास से लगातार लड़ने से थकी हुई इजरायली सेना ने अगर जमीनी कार्रवाई की तो क्या 1,00,000 से ज्यादा हिजबुल्ला के लड़ाकों को वे इस युद्ध को जीत पाएंगे। दुनिया के कई देश रोकना चाहते हैं युद्ध। वहीं इस बढ़ते संघर्ष को रोकने के लिए कूटनीतिक स्तर पर कोशिशें जारी हैं। फ्रांस और अमेरिका ने 21 दिन के सीजफायर का प्रस्ताव दिया है। इस मांग के साथ कहा गया कि 21 दिनों के लिए जंग पर तुरंत रोक लगाई जाए ताकि कूटनीतिक तरीकों से बातचीत के जरिए समाधान निकाला जा सके और गाजा में युद्ध विराम हो। इस साझा बयान के मुताबिक युद्ध को बर्दाश्त नहीं कर सकते और इससे हालात और बिगड़ेंगे, जिससे न इसराइल का फायदा है और न ही लेबनान का।